जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जी नमस्कार जी भाई, क्या हाल? ठीक ठाक से? ठीक, कृपा ऊपर वाले की, आपकी से? ठीक, बस सब ठीक ठाक। हाँ जी बोलो। हाँ, क्या कुछ कर रहा है आजकल? क्या करना है, यात्रा तो कैंसिल होगी है ना? यात्रा कैंसिल हो गया? हाँ, आपको नहीं पता? हाँ, पर तो यहाँ देखा था फोन में, तो कैंसिल हो गया यात्रा। तो कुछ किया नहीं आपके यहाँ घोड़े वालों ने? कुछ स्ट्राइक वाइक नहीं हुआ कुछ वहाँ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, घोड़े वालों ने कुछ नहीं किया। हाँ तो बस ऐसे ही चलता रहेगा, सरकार अपनी मनमानी करेगी। हाँ, हम लोग तो यहाँ ट्राई कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं सब लोग मिलके। हाँ जी, हाँ जी, तो आप लोग भी अपनी बात रखो ना यार, तुम्हारा तो बच्चा है, छोटा छोटा घोड़ा है, पिट्ठू है, सब कुछ है। कोई निकलता ही नहीं घर से बाहर, तो कोई नहीं निकलता तो बस यही चलेगा, सब स्वार्थी हो गए आजकल। आप सब निकलते ना? हाँ सब निकलते हैं अपने अपने घर से, अपने डीसी के पास जाके अपनी बात रखते कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं जी, है ना? हाँ, कुछ ना कुछ हो जाता। हाँ कुछ ना कुछ जरूर होता, हम लोग कर रहे हैं तो सब लोग जुड़ हो गए, भंडारे वाले भी कोशिश कर रहे हैं, टैक्सी वाले भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोकल लोग भी कोशिश करोगे, अपने लोकल नेताओं को बताओगे कि हम इनके पास तो खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन तुम्हारा क्या होगा, ये तो समस्या है ना, नेताओं की बात तो पूरे होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी बात रखें, अपना एक कोई बनाए है ना, सब लोग मिलके, इतने सारे लोग हैं, टैक्सी वाले, टेंट वाले, घोड़े वाले, कितने सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं, सब मिल जाएगा ना कुछ हो जाता। हाँ तो बनाओ, मैंने तो आपको भेजा भी है लिंक उसका, ट्विटर का, ट्विटर पे ट्यूटी कर दो यार कि हम कश्मीर से हैं और हमें भी रोजी रोटी चाहिए, है ना? हाँ सच बात है। हाँ तो करो मिलजुल के, ट्विटर पे ट्वीट करो यार, सबका भला, देखो हमारी हमें दर्शन मिलेंगे, आपको रोजी रोटी मिलेगी। हाँ हाँ, आपको दर्शन मिलेगा, हमको रोजी रोटी मिलेगी। हाँ तो सब लोग मिलजुल के करेंगे तो सबका भला होगा, नहीं तो एक दिन आने वाले टाइम में ये सब यात्राएं ऐसे बंद कर देंगे। ये तो 3 साल हो गया अब। हाँ तो मैंने आपको ट्विटर का लिंक भेजा, उस पर ट्वीट करो एक बार, है ना, और अपने साथ के लोगों को बोलो यार थोड़ा जागृत करो कि ऐसे घर में बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। सही बात है, तब मिलके आगे बढ़ो तो सरकार सुनेगी, है ना? चलो देखना एक बार है। आप यहाँ पहलगाम कब आएंगे? मैं पहलगाम आके क्या करूंगा यार, यात्रा होगी जब तो पहलगाम आऊंगा, पहले आया था मैं घूमने के लिए, घूम के चला गया। हाँ जी, अब यात्रा करवाओ तो कम से कम भी लाखों लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, सोचो ना। हाँ कितने लोग आएंगे, कितना पैसा खर्चेंगे, क्या क्या खरीदेंगे, सारा पैसा वहीं के लोगों को तो मिलेगा। फिर क्या, यात्री आता है तो सारा पैसा खर्च के जाता है ना। सारा पैसे की यहाँ खर्च। तो आप भी अपने मतलब जो लीडर है उनसे बात करो, वो आगे बात करेंगे, अभी मीटिंग होने वाली है वहाँ पे 24 तारीख को, रखो वहाँ पे कि हमें भी दिक्कत है, हमें यात्रा होनी चाहिए, है ना? तो सब मिलके बात करो दूसरे से यार, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं ऐसे काम, मैं आपको लिंक भी भेजता हूँ, ट्विटर भी ट्वीट भी करो और ये करो सब, हम यहाँ करते हैं आप वहाँ करो, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा, यात्रा अपने आप शुरू होगी, कोई कुछ बोलेगा नहीं तो यात्रा कभी शुरू नहीं होगी, ये बात याद रखना मेरी। सही बात है, चलो ठीक है फिर। यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।